बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं किचन विद शाहीन यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि ये गर्मियों का मौसम है और गर्मी के मौसम में सबका दिल करता है कि ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, आज मैं आपके साथ अपने पंजाब की रवायती ड्रिंक शेयर करूंगी जिसको सभी बहुत शौक और मज़े से पीते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको लस्सी की रेसिपी दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने 750 ग्राम जो है वो योगर्ट का इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल चिल्ड योगर्ट है। और हाफ लीटर जो है वो मैंने फुल फैट मिल्क का यूज़ किया है और ये भी बिल्कुल चिल्ड है। और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने सॉल्ट इसमें ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और लस्सी को जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करेंगी ये उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा, मैंने ब्लेंड करते हुए इसमें आइस का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें योगर्ट और मिल्क जो है वो बिल्कुल चिल्ड यूज़ किया था, क्योंकि हमने लस्सी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल गाढ़ा रखना है। तो आइस का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ये पतली ईसी हो जाएगी, तो फिर ये मज़ेदार नहीं लगती। देखिए यहाँ पर मेरी लस्सी की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। मेरे इस मेथड के मुताबिक आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना है, पानी की जगह आपने इसमें मिल्क का इस्तेमाल करना है। इससे लस्सी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा और बहुत मज़ेदार सा होता है। का टेक्सचर आप देखें कि कितना थिक है। सर्व करते हुए इसमें आप आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकती हैं। आई होप कि मेरी आज की ये लस्सी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे इस मेथड को फॉलो करते हुए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है कि मेरी ये लस्सी की रेसिपी आपको कैसे लगी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।